निकटतर हेब धूमकेतु न्यूआइस पुणी 6800 वर्ष पर देखादेव न्यूआइस पथर बरफ और ग्यास गठित न्यूआइस सूर्यतापरे तरली नथिबा सूचना मिली। यह महाजागतिक दृश्य यूरोप आमेरिका कानाडा खाली आखिरे देखिहेब भारत में यह राति 9:30 पर दृश्यमान हो जमापड़ मार्च 27 आविष्कार कर धूमकेतुर वैज्ञानिक नाम हो सी बाय 2020 F3। न्यूआइस परिधि पाखरे पाखापाखि 5 किलोमीटर यह 13 मिलियन ओलंपिक स्विमिंग पुल आकार सहित सामान खगोल शास्त्री आकलन अनुसार यह धूमकेतु 6800 वर्ष पर पुनर्बार पृथ्वीर निकटतर होमको दृश्यमान धूमकेतु एवं सूर्य किरण हेतु धीरे धीरे उत्तप हो पृथ्वी आड़ को गति करुवर एक ज्योतिरेखा निर्गत होमको एक आलोकमय झड़ भी देखा। आज पृथ्वीर निकटतर हेब धूमकेतु न्यूआइस पुणी 6800 वर्ष पर देखादेव न्यूआइस पथर बरफ और ग्यास गठित न्यूआइस सूर्यतापरे तरली नथिबा सूचना। यह महाजागतिक दृश्य यूरोप आमेरिका कानाडा खाली आखिरे देखिहेब भारत में यह राति 9:30 पर दृश्यमान हो जमापड़ मार्च 27 आविष्कार कर धूमकेतुर वैज्ञानिक नाम हो सी वाय 2020 F3। न्यूआइस परिधि पाखापाखि 5 किलोमीटर। इस संपर्क में अधिक आलोचना प्लानिटोरियम उपनिर्देशक डॉक्टर शुभेंदु पटनायक अच्छा श्रीजुक्त पटनायक आपको स्वागत करुच्ची जी ओडिशा को आज पृथ्वीर निकटतर हेब धूमकेतु न्यूआइस। ये धूमकेतु न्यूआइस कौन देखु आम जाचे धूमकेतु गुड़िक आम सौर परिवार गोटे गोटे पिंड जो गुड़िक सूर्य को केन्द्र कर गोटे गोटे बड़ उपकृत कार पथर घूरी बुले था यही बुला बेल जिते बेले से सूर्यर निकटवर्ती हुए से गोटे गोटे लांज सृष्टि होता है आई लांज गुड़िक लक्ष लक्ष किलोमीटर धरी व्यापी थाए तो यही जो धूमकेतु कथा कहुटा मार्च 27 दिन गोटे न्यूआइस नामक एक दूरवीक्षण यंत्र द्वारा आविष्कृत होता न्यूआइस गोटे दूरवीक्षण यंत्र जोटा कि आम महाकाश रही तो सहीटा प्रथम जो आविष्कार करमठ बहुत दूर था धीरे धीरे सूर्यर निकटवर्ती होता जुलाई 4 तारीख में एवं जो आसी गतिता गतिपथर पृथ्वीर सबुठार निकटवर्ती हाकु जाऊमकेतु गुड़िक प्रकृत में गोटे गोटे छोट छोट पथर खंड 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर आकार गोटे गोटे ना था 100 किलोमीटर रही से सूर्यर निकट को आसली जाकर लांज सृष्टि है जोटा कि सब सूर्यर विपरीत दिगर रही है तो यही जो धूमकेतु की कहु 2020 F3 सेटा 2020 मसीह जुलाई 27 तारीख में आविष्कृत होता तो सेटा एवं पृथ्वीर निकटवर्ती हम आज से मठ प्राय 10.3 कोटी किलोमीटर दूर रहीपर से धीरे धीरे आम ठीक दूरे जीव तो बर्तमान कमेट की आमको खाली आखिरे देखा जाऊँगी भारत अनेक स्थान में यह खाली आखिरे संध्या समय देखा जोटि आकाश मेघमुक्त रही पाग वर्षा ना मेघ ना से सब जगह यहाँ देखा जाऊँगी। निश्चित भाव श्रीजुक्त पटनायक धूमकेतु सूर्य किरण हेतु धीरे धीरे जो उत्तप्त हो पृथ्वी आड़ को गति कर एक ज्योतिरेखा निर्गत हुए जहाँ को आलोकमय झाड़ू भाई देखा जाए तेज श्रीजुक्त पटनायक यहाँ को आम खाली आखिरे देखिपर कि कौन क्षति हो निश्चित भाव यहाँ गोटे खाली आखिरे देखा वस्तु कारण सारा वैज्ञानिक कम्युनिटी जो रही पृथ्वी सारा समस्ते उत्साहित हो खाली आखिरे देखुं कारण धूमकेतु गोटे विरल घटना धूमकेतु सब आसुले खाली आखिरे देखा अति विरल घटना कारण शेष थर पर आमको जो धूमकेतु की खाली आखिरे देखाई से 1997 जोटा कि प्राय 23 वर्ष ते तो यही धूमकेतु तो आसंता 2-3 दिन खाली आखिरे देखा स्पष्ट भाव में जोटा कि सप्तर्षि मंडल ठीक तलूक र आपण संध्या 7:30 भारतीय समय भारत जेको स्थान में संध्या 7:30 समय जदि आम उत्तर पश्चिम दिग को देखा प्राय
कोड़े डिग्री उपर सप्तर्षि मंडल ठीक करकु रही धूमकेतु टी आसंता दुई तीन दिन धरी निश्चिंत भाव यहाँ देखा तीस तारीख पर्यंत देखा संभावना रही जुलाई तीस तारीख पर्यंत तेनालीराम खाली एक देखने कौन से क्षति ना जहां पाखे दूरवीक्षण जंत्र छोट बैनाकुलर अच्छी तादी स्पष्ट देखा किंतु आमर से उत्तर पश्चिम आकाशटी संपूर्ण भाव मेघमुक्त थिबा दरकार एवं सहर आलोक टू दूर थिबा दरकार सहर मानकर एटा देखिया बेंका ते कष्ट होची किंतु ग्रामांचल बा जोटे आलोक प्रदूषण कम अछि से जगह एबे स्पष्ट भाव देखा जाउछ बहुत बहुत गोटे सुंदर सुंदर फोटो चित्र मध्ये आमर भारत रे निया जाइछि धूमकेतु रे निया जाइछि गत दिन दुई दिन भीतर निहाति भाव में खाली आखिरे देखिए बहुत बहुत धन्यवाद ये पठाणी सामंत प्लानिटोरियम उप निर्देशक डॉक्टर शुभेंदु पटनायक जे कि आम सहित अधिक आलोचना करुले आज पृथ्वी में निकटतर हेब धूमकेतु निवाइस पुणी 6800 वर्ष पर जहाँ देखादेव यह पथर एवं बरफ गैस।